एंड थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना होगा। स्काउट का किल वहां पर एलिमेंट्रेक्स ने चोरी कर चुका है। परितोष को भी यहां पर नॉक आउट करते हैं एलिमेंट्रेक्स से, एंड परितोष को भी क्लियर आउट। तो टीम स्पार्क के लिए यहां पर बहुत ही मुश्किल सिचुएशन, फ्रोस्ट ने यहां पर हाइप के स्नेक को क्लियर आउट कर चुका है। तो यहां पर स्पार्क के लिए सिर्फ ही रौनक बचा है। क्या रौनक अपने टीम को कैरी आउट कर पाएगा? यहां पर रौनक के ऊपर फाइट आते हुए, रौनक 1v2 पोजीशन है, रौनक यहां पर क्लच कर पाएगा। ऑरेंज यहां पर उसके ऊपर पुश करते हुए एंड रौनक यहां पर एलिमेंट्रेक्स ने क्लियर आउट करते हुए। तो यहां पर गाइस आप देख सकते हो दो स्क्वाड एक साथ एलिमेंट हुए, दैट इज मेगा एक साथ 11 एंड 10 पे गए। आई थिंक टीम स्पार्क यस, एंड उधर मॉर्टल को भी नॉक जैसे मैंने देखा, एंड सोल के मॉर्टल यहां पर ब्लीड आउट हो चुका था कोई। पर यहाँ पे ये सिचुएशन टीम एक्स चाहे नहीं देखना पाती, पर नहीं देखना चाहती थी, पर उनको इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट्स टेबल पे अभी भी अच्छा लीड है, एक गेम खराब इतने बड़े टूर्नामेंट में डेफिनेटली जा सकता है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम देख रहे थे कि मॉर्टल वहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुका है। सोल रेगल्टोस यहाँ पे सोल के लिए भारी मात्रा में किल्स निकाल लिया। आई थिंक सोल ने ऑलरेडी 4 या 5 किल एक्यूमुलेट कर चुके हैं। शायद टीम एक्स स्पार्क इस गेम में 2 किल निकाले या 3 किल निकाले, आई एम नॉट श्योर स्पार्क की भाई, पर स्टिल दे आर स्टिल वेल अप इन द पॉइंट्स टेबल, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ टीडी की टीम अब कब से इन लोग वेट कर रहे हैं, पर अभी तक इन लोग किल्स नहीं निकाल पाए। एक छोड़ के जीएच रोटेट कर गए, सब कर गए, एंड आई थिंक फिर भी कुछ नहीं कर पाए। यस, अभी इन लोगों के लिए मुश्किल घड़ी आ चुकी है, क्योंकि दे हैव टू मूव टू द जोन, 150 मीटर जोन के अंदर जाना पड़ेगा। एंड ऑरेंज रॉक ने जोन होल्ड करके रखा है। आरआईपी के टेम्पेस्ट को वहाँ पर अदील ने नॉकआउट कर दिया, एंड हाइप का स्क्वाड यहाँ पर 9 नंबर पोजीशन में एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ पर मेगा स्टार का स्क्वाड भी आप देख सकते हो, राइट वाला कंपार्टमेंट होल्ड में बैठा है। ऑरेंज रॉक के पास जोन जो है बहुत ही सही है, क्योंकि पीछे से जो ऊपर का रीज है वहाँ से टीम डी टी डी को निकल के आना पड़ेगा। ऊपर से वो लोग फाइट नहीं ले सकते, दे हैव टू कम टू द जोन। एंड किसले ने वहाँ पर गेमिंग हब से एक बंदे को नॉकआउट कर चुका है। ऑरेंज रॉक यहाँ पर 4 किल निकाल चुका है, एंड वो अपने डोमिनेशन कैरी कर रहे हैं हर मैच में तक भाई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑरेंज रॉक पे फिर से जोन बनते हुए, ऑरेंज रॉक का जोन प्रेडिक्शन क्या बात। एंड वहाँ पे सोल लेगल्टोस ने वीएलटी के एमजे को नॉक किया, वाइपर ने फिनिश किया। यहाँ पे टीडी का अनिश नॉक करने की कोशिश करता है, नहीं वारा भी के नरूटे ने वहाँ पे जीए के आदिल को नॉक किया। टीडी रोटेशन स्टार्ट कर चुकी है, यह अनिश के कूदने में बच गया, बच तो क्या गया। वहां पे ओआर के मवी ने एलिमेंट्री से मिस्टर हर्ज को नॉक किया, एलिमेंट्री से ऑरेंज टीडीएक्स से जिबान रुकरेजी को नॉक किया। मवी वहां पे उसी को फिनिश ऑफ करते हुए मेगा लियो ओपी आरआईपी लेजेंड को, एलिमेंट्री टीडी अपसे को। एलिमेंट्री फाइनली थोड़ा किल्स निकाल पा रही है अपने टीम के लिए। कुकू मैन को जोन के अंदर रोटेट करना चाहिए, 5वां जोन है, बहुत ज्यादा जोन डैमेज लगेगा। आरआईपी का टेंपेस जीएच के केएमडी को नॉक करते हुए ऑरेंज वहां पे टीडी निकालते हुए ऑलरेडी 2 किल हो चुके हैं। इनकी पूरी टीम होल्ड ही करती रहेगी टीडी की टीम, क्या पता इन लोग को अर्ली रोटेट करते तो इनके पास आज ज्यादा किल्स होते। मेगा यहाँ पे पूरे टेम्पो में उनका मोमेंटम पूरा भर चुका है। वैक्सी वहां पे भी है, 2-3 मतलब सारे प्लेयर्स मेगा के अलग अलग डायरेक्शन में किल्स निकाल रहे हैं अपने। किसने वहां पे आरआईपी को नॉक कर दिया, आई थिंक आरआईपी एलिमिनेट हो चुकी है। वेलोसिटी गेमिंग एलिमिनेट होते हुए ऑरेंज रॉक ने एलिमेंट्रिक्स के बंदों को फिनिश ऑफ कर दिया। एंड यस, इसी के साथ साथ आई गेस आरआईपी की पूरी स्क्वाड भी फिनिश हो चुकी है। हम आ चुके हैं टॉप 5 टीम्स, 14 लोग बचे हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव मेगा स्टार्स, ऑरेंज रॉक, सोल, द डेस्ट्रॉयर, एलिमेंट्रिक्स इन द टॉप 5। यस, एंड यहाँ पर टीम डिस्ट्रॉयर जो है वो जोन के बाहर ही क्लियर आउट हो जाएंगे, एंड वही वो लोग हो गए जोन के बाहर। 2 बंदे डाउन हो चुके हैं, 12 बंदे के साथ हम लोग आ चुके हैं। सोल यहाँ पर 3 बंदे के साथ बचे हैं, ऑरेंज रॉक 4, एलिमेंट्रिक्स जो अकेले बंदा है वो भी जोन के बाहर ही अपना खेल किसी को देना नहीं वाले चाहेंगे, एंड जोन के बाहर ही वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वी आर डाउन टू टॉप 3 स्क्वाड, सोल, मेगा स्टार्स एंड ऑरेंज रॉक। 4v4v3 सिचुएशन है गाइस। एंड यहाँ पर अगर आप देखो एलिमेंट्रिक्स ने 5 किल लेके गया, तो अच्छा खासा किल्स पॉइंट मिलेंगे। मेगा स्टार्स के पास जोन है, एंड गाइस यहां पर और टीम ऑरेंज रॉक को जोन के अंदर आना पड़ेगा, सोल को भी जोन के अंदर आना पड़ेगा। ना मवी के आगे से स्पॉट आउट हो चुके थे टीम सोल, तो यहां पर संधु सामने और मवी ने जैसे मैंने बोला वहां पर फ्रोस्ट को नॉकआउट कर चुका है। एंड यहां पर वैक्सी यहां पर सोल के फाइनल बॉस में ओवर रिजल्ट, तो यहां पर सोल के लिए मुश्किल घड़ी सामने आ चुका है। एंड अपने टीम से सिर्फ आई थिंक रिजल्ट टॉस ही बचे थे भाई। एंड यहाँ पे फ्रॉस्ट ओपन में घूम रहा था, आई डोंट नो वो क्या करना चाह रहा था। बहुत ही उनका ये ओपन में घूमना, आई डोंट थिंक डेट वॉज अ गुड डिसीजन, क्योंकि शायद उन लोग जोन के अंदर है, ये चीज मुझे वो देख के पता लगा। रेगल्टोस यहाँ पे 6 किल निकालते हुए, और क्या कर सकता है कोई एक बंदे एक टीम के लिए। आई थिंक रेगल्टोस इज डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर सोल। पर यहाँ पे मेगा की मैं बात करूँ तो तारीफ की कमी, आज क्या टाइम मोमेंटम लेके आया है मेगा। यहाँ पे 8 किल ऑलरेडी ले चुकी है, चारों के चारों बंदे अलाइव है। आई थिंक मेगा कुड नॉट हैव मेड अ कमबैक बेटर देन दिस। मेगा स्टार्स हम सभी को
पता हमने पीएमसीओ में इनको देखा था वहां पे, पर ऑरेंज रॉक किसले को नॉक करते हुए, यार मेरे बोलने पर नजर लग गया, खराब लगा, कोई नहीं, पर ऑरेंज रॉक वहां पे चारों बंदे अलाइव है, मेगा के तीन बंदे, सोल का एक ही बंदा बचा है, ओआर संधू मेगा लियो को फिनिश कर दिया। यहाँ पे मेगा के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी एंड मेगा सडनली फोर मैन से टू मैन, सोल ढलता सूरज एंड यहाँ पे ऑरेंज रॉक, चारों बंदे अभी भी अलाइव। वाइपर जो ये मूवमेंट किया मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से ये गलत मूवमेंट है, क्योंकि उसको पता है वो जोन के अंदर आ नहीं पाएगा, एक किल सामने वाले टीम को देना, मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट सामने वाले टीम को दे देना, वो शायद कुछ पॉइंट टेबल में अभी इन दो स्क्वाड के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो एक पॉइंट से भी अगर आप टॉप टू में अगर आना पड़ता है तो ये थोड़ा सा गलती के कारण मतलब डाउन हो सकता है। मेगा स्टार के ऊपर अभी ऑरेंज डॉग का चारों का चारों बंदे पुश आउट कर चुका है, फाइनल बॉस थोड़ा पीछे जाएगा, एक से भी पीछे जाएगा, हिलअप करेगा एंड यहाँ पर आ चुका पुश, फाइनल बॉस का फिर से नॉकआउट, 1v4 सिचुएशन राइट नाउ फॉर हिम एंड मविनी यहाँ पर 1v1 में क्लियर आउट करते हुए एंड ऑरेंज डॉग गॉट द चिकन डिनर इन शैनॉक गाइस विद 11 plus 2, 13 किल के साथ। मेगा स्टार्ट भी हमर सेकेंड में 3 plus 5 8 किल्स, सोल के पास 9 किल्स थे, आरआईपी के पास भी अच्छे खासे किल्स थे एंड राइट पे आप लोग देख सकते हो एक एक करके हर एक स्क्वाड एंड कितने किल्स थे उन लोगों के पास, ये मैच बहुत ही प्यारा गया थक भाई, अब बहुत ही प्यारा गेम प्ले हमें देखने को मिला है। ऑरेंज रॉक हिस्ट्री रिपीट करते हुए चिकन डिनर पे चिकन डिनर लेते हुए एंड क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा उनका, नाइस टू सी मेगा कमिंग अप विद अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, सोल के लिए एक उम्मीद की किरण वापस थर्ड स्पॉट पे आए, टीम एक्स ने इस गेम में निराश किया पर...